नो अल्फाबेट बताने लगा हूं, नो अल्फाबेट। जिन लोगों के लिए इमिग्रेशन हो, असाइलम हो, ग्रीन कार्ड हो, पीआरशिप हो, स्टूडेंट वीजा हो, बिजनेस वीजा हो, विजिट वीजा हो, इन्हें मिल सकता है। एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, कोई बिजनेस के लिए जाना चाहता है, कुछ शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड ने बुला लिया है, वीजे रुके हुए थे, चला जाएगा। बीवी उधर है तो वीजा और चला जाएगा। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब खुला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पाम ईस्टर्न एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नाजरीन, हमने प्रोग्राम बेतहाशा करने 2025 के हवाले से, लेकिन बहुत से लोग हमसे इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग का बहुत लोग पूछते हैं कि मैं बाहर के मुल्क कब जाऊंगा। तो ये बहुत सारे लोगों के सवाल थे। आप लोग ज़्यादातर ये पूछते हैं कि मैं हिजरत करना चाहता हूँ, दूसरे ममालिक जाना चाहता हूँ। खान साहब ने लास्ट टाइम एस का बोला था और खान साहब को खुद जाना पड़ गया अमेरिका, और ये अमेरिका से वापस इसलिए है क्योंकि अपनी पेशन कोई पूरी करने के लिए अमेरिका चले गए, एक तो ट्रंप की भी और अपनी भी, कि मैंने एस का लफज बोल दिया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो नाजरीन, अब एम ए शहजाद साहब से पूछते हैं कि किन अल्फाबेट का टाइम जो है वो ट्रैवलिंग का, इमिग्रेशन के मामला जिनके रुके हुए थे, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं अपने रिस्क के हवाले से, जो बच्चियां बेटियां माएँ हमें देख रही हैं वो ट्रैवल करना चाहती हैं, अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हैं, उनके हस्बैंड पाकिस्तान आना चाहते हैं, ये जितने भी ट्रैवलिंग वाले अल्फाबेट्स और जोडियक हैं, ये अगले 3 महीनों में, हम प्रोग्राम बेसिकली दिसंबर जनवरी फेब का कर रहे हैं, कि इन 3 महीनों में किन का चांस सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग का बनेगा, आइए जानते हैं एम ए शहजाद खान साहब से, और आप लोगों के सवाल आते हैं उसका जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा, बड़ा अच्छा टॉपिक है और मैं ये हैरान हूँ कि हमारे, पहले तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान से बात करता हूँ, जाहिर है मैं तनकीद करता हूँ, तमहीद नहीं मानता, ये फर्क करना चाहिए और तनकीद जरूर करनी चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ अगर मुझ में भी कोई बुराई है तो मुझ पर भी तनकीद की जाए। बात यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेशुमार नौजवान हों, बूढ़े हों, मेच्योर पर्सन हों, वो सब मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी, कानून नहीं है, गंद है, बुराई है, चोरी है, वाइट कॉलर लोग, ऊपर का शराफिया, चोरी है, चोरी करते हैं ये लोग, इनकी वजह से लोग दुखी होके, मायूस होके मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई, और ना मुल्क छोड़ो, एना छा दो, एना कहा तुम जाओ अशराफियों को, फिर मुल्क जल जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा जान छोड़नी। तो खैर, मैं खुशखबरियां सुनाता हूँ पूरी दुनिया के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, इवन इंडिया के लिए भी, हमें इंडिया से भी लोग देखते हैं। हाँ, पूरी दुनिया के लिए बात, इंडिया की दुनिया में ही है। 8 नो अल्फाबेट बताने लगा हूं, नो अल्फाबेट। जिन लोगों के लिए इमिग्रेशन हो, असाइलम हो, ग्रीन कार्ड हो, पीआरशिप हो, स्टूडेंट वीजा हो, बिजनेस वीजा हो, विजिट वीजा हो, इन्हें मिल सकता है। ये लोग यही गाना गाएंगे, परदेश जाने वाले परदेशी, घर वाले कहेंगे ये जा सकते हैं परदेश। सबसे खुश नसीब पहला अल्फाबेट, इसमें मर्द, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा सब शामिल हैं। कोई बीमार है तो सेहत के लिए, इलाज के लिए जा सकता है, किसी भी देश की बात हो रही है। कोई अगर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, कोई बिजनेस के लिए जाना चाहता है, कुछ शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड ने बुला लिया है, वीजे रुके हुए थे, चला जाएगा। बीवी उधर है तो भी शोहर चला जाएगा, शोहर उधर है तो बच्चे चले जाएंगे, बीवी चली जाएगी, माँ बाप आ सकते हैं, यानी क्या है, ट्रैवलिंग स्टार्ट। सबसे पहला खुश नसीब अल्फाबेट बोले जी, कौन सा है जो ट्रैवल वाला है?
एस वाले एस एस इज अ यस एस उड़ गए। अब मैं अभी सोच रहा हूँ यार मलेशिया ही होगा वहां, होली साउथ अफ्रीका भी होगा, मेरा माइंड बना हुआ होलैंड से भी होगा, दिल कर रहा है मेरा, हो सकता है मैं अगले महीने उड़ जाऊं, ऐसा हो सकता है। तो एस लड़का लड़की कोई भी, सुमेरा शहजाद साहिल समर संतोष जाए इजाजत है, अप्लाई करते हैं फिर ना, टाइम निकल गया, ये टाइम है, ये टाइम बना हुआ है, ये योग है, ये योग ही संयोग हो जाएगा। इमिग्रेशन वाले मामला आते हैं, डिस्टर्ब है, को कार्ड का मसला है, वो ट्रेवल नहीं कर सकते, क्या उनको रिलीफ मिलेगा? मैंने ये बात शुरू में स्टार्ट पॉइंट कर दिया है, अजाइलम वाले जो बाहर बैठे हुए सियासी गुना के लिए वो भी क्लियर, डीआर वाले भी है, परमानेंट रेजिडेंस वाले वो भी क्लियर, ग्रीन कार्ड वाले क्लियर, इमिग्रेशन वाले क्लियर, विजिट वीजा क्लियर, कह दिया मैंने, स्टार्ट टाइटल दे दिया है। एस वाले बाहर जाते हैं तो ये जॉब नौकरी मिलेगी इनको इस ट्रैवल की वजह से, अगर ये रिस्क लेके जाते हैं? यही तो मैंने बयान पहले दिया है ना, स्टार्ट दिया है, जॉब हो, शादी हो, ट्रैवल, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ये बयान दे दिया है, ये सारों के लिए बयान टाइटल दे दिया है। ठीक है, दूसरा खुश नसीब जो स्टार है उसको नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से बयान दे रहा हूं, वो है जेड जेड। अब ऐसे 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 अब एस को उल्टा कर दो, ये बन गया जेड। अब इसके तीन डंडे हैं, एस को भी अगर डंडों के साथ ना उसकी भी तीन, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब खुला है इनके, शादी के लिए बाहर, रिश्ते बाहर से आए एक्सेप्ट कर लो, ट्रैवलिंग में जाए, एजुकेशन अप्लाई करें वीजा, और इस महीने में अप्लाई कर लो, अगले महीने में कर लो, चाहे छह महीने बाद लगे, अप्लाई तो हो गया है, हाजिरी लग गई, अटेंडेंस हो गई, यानी जेड और जे वाले लोग जो हैं उनको भी ट्रैवल का चांस मिलेगा। तीसरा खुश नसीब एन एन, ये भी तीन डंडे हैं, अब जेड को ऐसे कर दो तो एन हो जाएगा, नून, जेड को ड्रॉप ऐसे कर दो एन हो गया, नून वाले लोग नरगिस नताशा नोरीन नदीम नगमा नगमाना नेल्सन उड़े, कामयाबियां इनके कदम चूमेंगी, श्री है, ठीक है, इनके भी तीन डंडे हैं। उसके बाद एफ है, एफ को देखें, इसके भी तीन डंडे हैं, एक दो तीन, अच्छा एफ पे वाले लोग, इनके भी तीन डंडे हैं, ये ऐसे कर दे एफ हो गया, जी जी हो गया लोगों को, जी जी हो गया, डंडा दो और तीन, ये भी कहां जाए, विदेश ट्रैवलिंग करें, कामयाबियां मिलेंगी, किस सेक्टर में जाएं एफ वाले, मतलब कहां जाएं, कहां इनके लिए बेहतर रहेगा? पूरी दुनिया में जाएं, खुल गए, पहले कह दिया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, ठीक है, खुल गया इनके लिए भी, जिस शख्स की अपनी इच्छा है, चाहत है, डिजायर है, जो जहां जाना चाहता है होगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। उसके बाद खुश नसीब है के, कितने डंडे हैं इसके, इसके भी तीन हैं, वाह, काफ वाले लोग, के वाला भी क्लियर हो गया, उड़ता फिरेगा, ये इसके लिए एक जगह नहीं है, ये पूरी दुनिया घूम सकता है, ये कहे मैंने मशरिक में रह के मगरिब जाना है, मगरिब से कह दे कि ऑस्ट्रेलिया से मैंने अटलांटिक आना है, पैसिफिक से, पैसिफिक से कहे मैं एशिया आऊंगा, इसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, ये एक जगह बैठेगा भी नहीं, ठीक है, ये बड़ी अहम बात बताई आपको। अब हम आ जाते हैं फिर तीन लगे,
आर एक दो और ये फिर तीन आर रे वाले लोग, रानिया, राहत, रिजवान, रोबिन, रुकैया, इन लोगों को भी ट्रैवलिंग करें। इस्लामी ट्रैवलिंग इनकी ज्यादा है, कोई भी शख्स किसी भी धर्म से है, किसी भी मजहब से है, वो अगर मुस्लिम है जाए खाना काबा उम्रे पे जाए, ज़ियारत करनी है जाए, सिख है तो अपनी जो है इनकी इबादत इबादतों वाली जगहें जाए, क्रिश्चियन अपने जगहों पे जाए, हिंदू अपनी जगहों पे जाए, मजहबी ट्रैवल इनके लिए लिख दिए गए। जबरदस्त एक बार ठीक है। उसके बाद जो है वो दो दो डंडे वाले आ गए हैं, टी टी वाले लिब्रा, इनके लिए एक देश में जरूर जाएंगे लेकिन दो देशों में रहेंगे। अच्छा, कनाडा अमेरिका, एक कंट्री के लिए जाएंगे लेकिन दो देशों में इनके पांव होंगे और कामयाबियां इनके कदम चूमेंगी। अगर किसी औरत की शादी होती है अमेरिका, उसका हस्बैंड अमेरिका में, वो सेटल हो जाते हैं, बाद में उसका हस्बैंड कहते हैं इसके लिए सेटल। अगर कोई बंदा जापान बिजनेस कर रहा है और बाद में कहते हैं नहीं यार अब चाइना चले जाए, दो कंट्री फॉलो करेगा ये। अब एक वो है जो पूरी दुनिया देखेगा, पूरी दुनिया एक ही शख्स देखेगा, फैमिली नहीं सारी पूरी देखेगी, वो अकेला पूरी दुनिया देखेगा, वो है क्यों, क्यों वाले लोग, एजेंडा शख्स पूरी दुनिया घूमेगा और जहां वो सेटल्ड होगा तो फिर अपनी फैमिली को एक जगह पे सेटल करेगा, लेकिन ये क्यों पूरी दुनिया घूमेगा। अच्छा, कामयाबियां कदम चूमेंगी। मेरे ख्याल से आज नॉलेज काफी निकाल लिया, काफी बता दिया जी। जबरदस्त खान जी, आपने नौ अल्फाबेट्स बताए, मैं तो खो गया था इस चीज में कि बहुत से लोग ना सवाल बड़ा करते हैं, डिस्टर्ब है मेंटली तौर पे, ट्रैवल का बड़ा पूछते हैं, और जो बाकी जिनके नाम आपने नहीं लिए अल्फाबेट्स के, उनको क्या रेमेडी करनी पड़ेगी अगर वो जाना चाहते हैं, कोई ये भी बता दें। मेरा नंबर आ रहा है तो वो अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और हाथों की हथेलियां भी भेज देंगे तो उसका मुकम्मल लहचा बना दिया जाएगा, बता देंगे उसको, हम उनकी दशा बता देंगे किस दशा में किस जगह पे जाना है, उसका हल भी रेमेडी अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्नत बताएंगे इंशाल्लाह। सर, आपकी जहाँ से सवाल आते हैं भाई, ऐसे वालों की लव मैरिज होगी या ऐसे वालों की इजाजत नहीं दी आपको, आपने कहा आपकी इजाजत से कुछ सवाल है, मैंने कहा इजाजत नहीं आपने फिर सवाल कर दिया। अच्छा चलें, इजाजत दे दें, अमेरिका से आया हूँ जनाब, ताजा ताजा आया हूँ, मुझे जरा पाकिस्तानी मसाले खा लेते। अच्छा चले, ऐसे वालों का बता दें कि इनकी लव मैरिज होगी, ऐसे वालों की लव मैरिज हो गई। अच्छा, बट खान कह रहे हैं मेरे लिए भी चॉकलेट लेकर आए खान साहब से के। और जब चॉकलेट ब्राउन होती है तू चिट्टा है की हो गया है तेनू। अच्छा सर, नेक्स्ट है सुमेरा खान, 17/7/1986, फादर का नाम आरिफ खान, मदर का नाम मुसरत बेगम, 2025 कैसा रहेगा, वेल्थ हेल्थ लव मैरिज। देखिए वेल्थ वर्क वुमेन और वेदर, चार एस नाम है सुमेरा खान। अच्छा वुमेन खुद ही है ना, ठीक है, चार डब्ल्यू इनके साथ है तो ठीक रहेगा इनके लिए 2025। मेरे लिए कैसा रहेगा, माय नेम इज अताउल्ला, वाइफ नेम इज शाजिया, प्लीज डिटेल से थोड़ा बता दें शाजिया और अता का ए एस कैसा रहेगा आपस में आगे। बब्बर शेर रहेंगे एक कार दे विच, एक शेर एक पेड़, कभी एक शेर कभी दूजा पेड़, गड्डी टुरदी रहेगी तो कामयाब रहेगी, कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा हाँ जी, नेक्स्ट सवाल है आतिफ खान, मेरी अम्मी का नाम हुमा शहीन, 26 दिसंबर 1981 पैदाइश है,
बहुत परेशान हूँ, कारोबार नहीं है, बीवी नाराज है, लोगों के से पैसे भी लेने हैं नहीं देते, क्या करूं? देखो तो बेटा, जब पैसे ना हो तो घर में झगड़े तो होते हैं, शोर भी लड़ता है बीवी भी। जब पैसे किल्लत खत्म होगी ऑटोमेटिक वो आ जाएंगी। बेटा 1.5 साल अभी परेशानी है, तो अपने मिजाज को ठीक करो और गुस्सा ना करो। मर्द को अल्लाह पाक ने ज्यादा ताकत दी होती है औरत से, तो बेटा हालात का मुकाबला करना सीखो, 1.5 साल का ठीक हो जाओ। अच्छा बिलाल कह रहे हैं, मेरे बारे में भी कुछ बता दें, बिलाल नाम है। खाली बिलाल लू की करें जो दूध पींदा फीडर पी रहे हैं, की करा फैमिली ओरिएंटेड बच्चा है, इज्जत करने वाला, खानदान पे मरने वाला, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे रहने वाला। ठीक है, हुमैरा आपको सलाम दे रही है, कि खान साहब को मेरा सलाम दे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, केयर ट्रस्ट के नाम से आईडी है, वो कह रहे हैं आपकी आवाज और स्टाइल लाइक पृथ्वीराज कपूर है। वो कभी साढ़े अंदरों तारिक अजीज मरहूम निकल आते हैं, कभी मिथुन चक्रवर्ती निकल आता है, कभी पृथ्वीराज निकल आते हैं, कभी सुल्तान राय निकल आते हैं, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। ठीक है, 19 अप्रैल 1989, नाम नौरीन, मदर का नाम सईदा, 2025 कैसा रहेगा मेरे लिए? बेहतरीन बेटा, बेहतरीन रहेगा। ठीक है सर, यू हैव अ नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर, थैंक यू सो मच, इन्होंने मैसेज किया है। और ये ये कह रहे हैं फलक शेख के साथ हम आपकी वीडियोस बहुत कम देख रहे हैं आजकल, खान साहब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस किया करें, ये शुमाइला कह रही है। शुमेला बेटा, बात ये है कि फलक साहब आजकल जो है ना, उनको कभी ठंड लग जाती है, कभी फोक। मरियम नवाज साहबा हमारी बाजी है, वजीर आला बनी है पंजाब की, तो इतने पर स्मोक आ गई है, दुनिया चांद पे चली गई, हम स्मोक के बादल क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो जब ये साफ हो जाएगा तो फलक साहब रोज प्रोग्राम करेंगे, ये इंशाल्लाह कसूर हुकूमत वो का है। अब तो हम रेगुलर प्रोग्राम करेंगे आपके साथ, अब आप आ गए हैं दिल्ली का, अगर एक प्रोग्राम लॉग हो अमरीका गया हुआ था तो इसलिए इतना लेट हो गया, अब रेगुलर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ प्रोग्राम करके, और आप बहुत अच्छा लोगों को गाइड भी करते हैं, और आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं, आपके कमेंट्स देखें कि इतनी मोहब्बत लोगों की आई है, वो ब्लॉगिंग बड़ी लोगों ने पसंद की हमारी, जरा एक नया टच आ गया था, आपने अमेरिका जरा लोगों को दिखाया, उनको अच्छा लगा कि खान साहब फ्रेंडली बड़े हैं। तो खान जी आपकी पेशेंट को, यह लोगों की खिदमात आप करते रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो नाजरें अपना फीडबैक हमें जरूर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो सबसे पहले मेरे उस व्यूअर के पास जाए जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो वेट करता है हमारी वीडियो का। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज। जी सर। मैं पूरी कौम को, तमाम व्यूवर्स को कहूंगा, मुल्क पाकिस्तान की अशराफिया के लिए दुआ कीजिए, या अल्लाह पाक इनको उठा लें, इनको उठा लें, नहीं तो फिर या अल्लाह पाक इनको ऐसे जजीरे दे दे जहां वो चले जाएं, हमारा मुल्क आजाद हो जाए, जैसे बांग्लादेश अब आजाद हुआ है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो।